अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, एक हाईली प्रॉफिटेबल वीडियो होने जा रही है आज की, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही प्रॉफिटेबल स्टॉक जो कि इस वक्त बहुत ही कम कीमत में मिल रहा है और इस वक्त अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट से बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और करोड़ों रुपये कमाना चाहते हैं, तो आज मैं PICT को एक मरतबा फिर डिस्कस करने जा रहा हूँ। PICT ऐसा शेयर है जिसने अपने शेयर होल्डर्स को ऑलरेडी करोड़ों रुपए कमा के दिए हैं और ये इस वक्त कम कीमत में मिलने की वजह यह है कि इसका जो एग्रीमेंट है वो गवर्नमेंट के साथ हो नहीं पा रहा, जिसकी वजह से शेयर की जो प्राइस है वो मुसलसल डिक्लाइन होती हुई बिल्कुल लोएस्ट पर आ गई है। अपने 52 वीक के लो पर यह मिल रहा था और चंद दिन पहले मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी, उस पर मैंने आपको बताया था कि 50 रुपीज़ पर यह ट्रेड हो रहा था और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन फेस था इसका, जिसमें आप इसको बाय कर सकते थे और विद इन अ 2 डेज में ये स्टॉक 50 से 56 पर चला गया। इसमें अपर कैप भी लगा था और व्यूअर्स आप देखेंगे टाइमली मैं आपको अच्छे से अच्छे स्टॉक्स के बारे में एडवाइस करता हूँ जिसमें शॉर्ट टर्म में अच्छा गेन मिल सके। तो PICT में विद इन अ 4 to 5 डेज में 5 से 6 रुपये का गेन मिला है। मेरी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छे स्टॉक्स के बारे में मैं आपको टाइमली गाइड करूँ ताकि आप लोग स्टॉक मार्केट से ज़्यादा पैसा कमाएँ। व्यूअर्स, PICT जो कि KPT की ज़मीन पर कंटेनर वाली साइड पे जो ऑपरेशन वर्क है वो PICT है, बेसिकली थर्ड पार्टी की हैसियत से KPT के साथ काम कर रहे हैं और KPT ने इनके साथ एक एग्रीमेंट किया था, 25 साल का एग्रीमेंट था जो कि अब वो ओवर हो चुका है, लेकिन फ़िलहाल ये PICT इस वक्त काम कर रही है। PICT के अपने एसेट्स इस वक्त कुछ भी नहीं है, ये सारा कुछ जो है वो KPT का है, जिसपे प्रॉफिट जो है वो PICT और KPT दोनों शेयर करते हैं। तो ये बहुत ही अर्निंग वाली जगह पर वाकई PICT, जिससे अरबों डॉलर ये लोग मंथली कमाते हैं, तो एक मुनाफा बख्श बिजनेस है। व्यूअर्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप स्टॉक मार्केट की बजाय बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करें, बिज़नेस के मॉडल को समझें और उसकी पोटेंशियल देखें कि कितनी अर्निंग ये बिज़नेस कर सकता है, उसी हिसाब से शेयर की जो प्राइस है वो ग्रो करती। तो PICT को आज मैं फिर डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। व्यूअर्स, एक हाईली इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही प्रॉफिटेबल भी। जो लोग स्टॉक मार्केट से करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, मेरी आप उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। PICT पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल कराची पोर्ट पर वाकया है और कराची पोर्ट की ज़मीन पर जो कंटेनर वाली जगह है वो PICT कहलाती है। बात करें इसकी करंट प्राइस की, तो करंट प्राइस इस वक्त की 54 रुपीज़ पर ट्रेड हो रहा है। मैंने आपको रिकमेंड किया था, जो बाय रेंज बताई थी वो 50 रुपीज़ पर उस वक्त जो ट्रेड हो रहा था, तो एक अच्छा मौका था शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हासिल करने का। तो 50 रुपीज़ से ये विद इन 2-3 डेज 56 का इसने हाई बनाया है और 56 से अब ये 54 रुपीज़ पर ट्रेड हो रहा है। मार्केट कैप 5.88 बिलियन की है। EPS 3 क्वार्टर का है, 2023 में 16.19 EPS है। कंपनी अभी भी अच्छी अर्निंग में है। बुक वैल्यू 16.05 है। बुक वैल्यू कम इसलिए है कंपनी की क्योंकि कंपनी के अपने एसेट्स कुछ भी नहीं है, जो भी सब कुछ है वो कराची पोर्ट ट्रस्ट का है। और बुक वैल्यू कम होने की एक वजह ये भी है कि कंपनी का जो एग्रीमेंट है वो KPT के साथ अब वो ख़त्म हो चुका है। ईयरली डिविडेंड 40 रुपीज़ का डिविडेंड ये दे चुका है और ऑलमोस्ट साल में इतना डिविडेंड दे देता जितनी अभी ये जिस कीमत में ये ट्रेड हो रहा है। हिस्ट्री का हाई 578.99 है जो कि 2017 में इसने बनाया था। तो व्यूअर्स, 578 रुपीज़ वाला शेयर इस वक्त 54 में मिल रहा है, तो समझ लें फ्री में मिल रहा है और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से। थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है जब आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होता है वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो व्यूअर्स, PICT जिन लोगों के पास है वो लोग होल्ड रखे हैं जिन्होंने 50 पर इसको बाई करा है, और जो लोग अभी बाई करना चाहते हैं तो वो लोग इसको बाई कर सकते हैं और कुछ ही दिन में ये अच्छी मूव देने जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि ये 70 का लेवल भी ईजिली क्रॉस कर सकता है। तो व्यूअर्स, मेरी कोशिश होती है कि आप लोग स्टॉक मार्केट से ज़्यादा पैसा कमाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए एक वैल्यू एडिशन साबित हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।